छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा माया नगरी मुंबई में पातालकोट की जड़ी बूटियों से इलाज के लिए काफी चर्चित है। डॉक्टर टाटा ने प्रेस वार्ता में कहा, हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, लेकिन लोग आज भी अंधविश्वास के दम पर खुद को साधु सन्यासी साबित कर रहे हैं। डॉक्टर टाटा ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र की एक संस्था के साथ मिलकर आत्मसम्मान मंच बनाया है। इसी मन से उन्होंने किसी भी धर्म के ऐसे साधु महात्मा या बाबाओं को चैलेंज दिया है जो अंधविश्वास फैलाते हैं। भले ही डॉक्टर टाटा ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने साफ धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया है कि वे अंधविश्वास ना फैलाएं। जो बात वे कर रहे हैं, अगर उसे साबित करके दिखाते हैं तो उनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पत्रकारों ने डॉक्टर टाटा से पूछा कि वे किस पर्ची वाले बाबा की बात कर रहे हैं, यह स्पष्ट करें। इस पर डॉक्टर टाटा ने कहा कि वे हर धर्म के ऐसे बाबाओं की बात कर रहे हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं। वे ऐसी सभी बाबाओं के लिए अपना एक पत्र लिखकर ले जाएंगे। वहां आधुनिक कंप्यूटर जैसे साधन होंगे, जैसा पत्र में लिखा है वैसा ही पढ़कर अगर बाबा बता दे तो उन्हें 1 करोड़ रुपए इनाम में दिया जाएगा। अगर नहीं बता सके तो उनसे 11 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। उन्हीं 11 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र के अजनी पर्वत पर हनुमान जी का मंदिर बनाया जाएगा। इतनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और इस वैज्ञानिक युग में, मीडिया युग में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया युग में यदि हम किसी धर्म का विरोध नहीं है, क्योंकि हम खुद हिंदू हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे धर्म के प्रचार के आड़ में यदि कोई अंधविश्वास ला रहा है, यदि हम आप सबसे पूछें कि आपका बच्चा एसपी कलेक्टर इंजीनियर बनना चाहता है कि वो बाबा के ही करेगा, तो ये अंधविश्वास जो हमारे नई संतान है वो देखेगी टीवी के माध्यम से कि बाबा कोई भी पर्ची निकाल के भविष्य बता देता है, जबकि इस पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आपके मन की बात बता दे। तो वही मन की बात हमने महाराष्ट्र में एक संस्था है आत्मसम्मान मंच, उसके माध्यम से हमने चैलेंज दिया कि यदि हमारा लिखा हुआ कोई लेटर सेम हम स्कैनर रखेंगे, फोटोकॉपी मशीन रखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, आप भी लिखो, फोटोकॉपी करेंगे, अगर सेम निकलता है तो 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, अगर नहीं निकला तो आपको 11 लाख देना पड़ेगा। वो जो 11 लाख मिलेगा, हनुमान जी का मंदिर है नासिक के पास, जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थली है अंजनी, ऐसी मान्यता है, वो पूरा 11 लाख हम वहां पे लगा देंगे, ऐसी हमने घोषणा की। तो अभी तो उसका जवाब तो नहीं आया, क्योंकि वास्तव में ये भ्रम, क्योंकि पर्चियां सेटिंग कर सकते हैं समाज में, आप भी कर सकते। अभी हम छिंदवाड़ा किसी गांव में बैठ जाएंगे, माला पहन के हम बोलेंगे पर्ची बता देंगे, तो हम भी बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, हम सेटिंग नहीं सकते। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।